नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष दो प्रकार का होता है, धातु अधिक के दोष और धातु न्यूनता दोष। तो धातु अधिक के दोष भी दो प्रकार का होता है। पहला है ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु अधिक के दोष, जिसमें एफ सेंटर बनता था, वो पहले ही पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा धनायन के कारण धातु अधिक के दोष। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इस दोष में जब यौगिक को गर्म किया जाता है तब तो धनायन और इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो जाती है और धातु का सूत्र MO से M1+XO हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ZnO है, तो ZN1+XO हो जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं कि जिंक ऑक्साइड ZnO का रंग सफेद होता है, लेकिन गर्म करने पर Zn2+ देता है और इसका रंग पीला हो जाता है। इसके समीकरण द्वारा देख लिया जाए, ये ZnO है, इसे हम लोग जब गर्म करेंगे तो Zn2+ बनेगा, प्लस ½O2 बनेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2e बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि जिंक ऑक्साइड को जैसे ही गर्म करते हैं तो केटायन बन रहा है और इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस हो रहा है। इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे, धातु अधिक के दोष कहेंगे। इसमें जो Zn2+ जो बनता है वह किसी दूसरे उसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल पर जाके बैठ जाता है और इलेक्ट्रॉन दूसरे अंतराकाशीय स्थल पर जाके बैठ जाता है। इस तरह से इस दोष के बारे में आप समझ गए कि धातु अधिक के दोष माने कि धन आयन के अंतराकाशीय स्थल पर चले जाने से धातु अधिक के दोष। ये जो धन आयन बन रहा है ये अंतराकाशीय स्थल पे जब चला जाएगा तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे, धातु अधिक के दोष। ठीक, और बस आज इतना ही।